कंटेनर शाखा को लेकर के काफ़ी लोगों ने मजाक उड़ाया था और आज उसी कंटेनर शाखा से यहाँ के सैकड़ों लोगों को खानपान की व्यवस्था की गई है। देखिए, हम लोग हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के शिष्य हैं। उन्होंने जो मार्गदर्शन हमें दिया वो मार्गदर्शन पे हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का कामकाज चल रहा है। देख रहे हैं आप पिछले पौने दो सालों से किस तरह से वो महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम करें, मेहनत करें, उसी तरह से हम यही कहना चाहते हैं कि हर जगह पे भले हमारी शाखा नहीं होगी, हमारे दुकान नहीं होंगे, हमारे गाले नहीं होंगे, क्योंकि हमारे शिवसैनिक बेचारे बहुत सब अमीर नहीं है या उनकी जो पार्टी है वो इतनी बड़ी नहीं है ताकि सबको दुकान के गाले दे सके, मगर जिस जगह पे हमारी शाखा नहीं उस जगह पे हमारे कंटेनर है। तो इस कंटेनर शाखा के माध्यम से आप सुबह देख रहे हैं हमारे सचिन मंजरेकर जी सुबह 5:30 बजे से यहाँ पे है, मेरे से कोऑर्डिनेट करते हुए उन्होंने जितना भी सहायता है अपने शिवसैनिकों के साथ यहाँ पे सहायता की। मैंने उनको कहा कि भाई पहला उनको चाय कॉफ़ी पानी का नाश्ते का बंदोबस्त किया जाए, तो सुबह 7:30 बजे से हमारा वो जो पानी चाय नाश्ता वो चल रहा है। आज खाना भी हम लोगों के लिए सब दे रहे हैं उनको, ताकि ये सेवा भावी जो वृत्ति है ये हम तो आप कोविड में भी हमारे साथ में थे, सब लोग जब भी दरवाजे बंद करके अंदर बैठे थे तभी शिवसैनिक हमारे रास्ते पे उतर के कोविड के जो मरीज़ है या जो हमारे लोग हैं उनको सेवा का हमने जो काम किया है, उनको गोलियां बांटी है, उनको सब्जियां बांटी है, उनको जो जो चीज़ें देनी है वो रेमडेसिविर के इंजेक्शन बांटे हैं। तो ये एडमिशन कितने लोगों को करके दिए, उसमें तो हमारे बेचारे एक नगर सेवक हरिश्चंद्र आमगांवकर जो इसी परिसर के नगर सेवक वो भी गुजर गए, हमारे एक पत्रकार थे यतीन गोलतकर वो भी गुजर गए। तो इस दौरान हमने जितनी सेवा करनी चाहिए वो सेवा कर रहे हैं कोविड से लेकर अभी तक। तो हम ये नहीं चाहते कि राजनीति की जगह राजनीति करनी चाहिए, मगर जब भी लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो देनी चाहिए। और हमारी कंटेनर शाखा ये लोग बोलते हैं मगर हम उसको पवित्र हमारा मंदिर मानते हैं, हम वो मंदिर के माध्यम से लोगों को सुविधा देने की पूरी कोशिश करते हैं। सर, रसदार लोग, बड़े लोक प्रतिनिधि आए और चले गए, लेकिन काम जमीन पे आप कर रहे हो। नहीं देखिए, मेरा यही कहना है, सुबह कुछ लोग 8-9 बजे आके चले गए, आपके चैनल के माध्यम से बाइट देके चले गए, मैं लोगों के लिए कुछ लेके आया हूँ। लोगों को बाइट देना जरूरी नहीं, लोगों को मदद करने की ज़रूरत है। मैं राज्य शासन से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कुछ लेके आया, शासन का निर्णय लेके आया, महानगर पालिका का निर्णय लेके आया। लोग भयभीत थे कि हमारे झोपड़े को अभी तोड़ देंगे, कॉरपोरेशन के लोग अभी जेसीबी पोकलन लगा के साफ कर देंगे, वो भयभीत का लोगों की ख़त्म कर दिए। नहीं, आप डरिए मत, आप रहिए वहीं पे, आपका पुनर्वसन राज्य शासन के माध्यम से और महानगर पालिका के माध्यम से होगा, और जिनके झोपड़े जल गए उनका भी पुनर्वसन राज्य शासन और महानगर पालिका करेगी। एक सवाल आखिरी कि मीरा भाईंदर में लगातार आग की घटनाएँ बढ़ रही है, अभी जस्ट इससे पहले उत्तन डंपिंग ग्राउंड में भी ऐसी भीषण आग लगी, दूसरी आग, ये एक हफ्ते में 2 आग। देखिए, ये तो जो दुर्घटना है उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, वो अलग इशू था, मगर ये भी अलग इशू है। मैं कुछ चैनल के माध्यम से सुबह ये देखा कि चरसी लोग कुछ बैठे थे और चरसी लोग शेकोटी जला रहे थे और शेकोटी जलाते जलाते वो आग फैल गई, तो ये भी गंभीर मैंने चीज़ ध्यान में रखी। अगर इस ऐसे परिसर में जो मीरा भाईंदर शहर का चौक हो और उस चौक में अगर कोई अंदर चरसी लोग बैठते रहेंगे और इस तरह से मस्ती करते रहेंगे तो पुलिस का भी नियंत्रण होना चाहिए। क्यों, चरस वालों को चरस कहाँ से मिलती है, गर्दुले को गर्द जो दवाइयाँ वो मिलती कहाँ से, इसका भी नियोजन है पुलिस ने करना चाहिए। मैं मधुकर पांडे जी जो कमिश्नर है उनके साथ भी बात करूंगा, और ये जो चरस, गांजा, अफीम और कुछ जहरीली जो नशे की दवाई है ये कहाँ से मिलती है, उसका भी अच्छी तरह से नियोजन करके वो छापे डाल के वो भी खत्म करने के लिए मैं उनसे बात करूँगा। तो जैसा कि आपने देखा, एमएलए प्रताप सरनाइक ने क्या बताया, शिवसेना की जो कंटेनर शाखा थे जब वो लगाए गए थे तो उस पर कई लोगों ने काफ़ी विरोध किया, लेकिन आज यहाँ पर आज़ाद नगर में जिस तरीके से आग लगी थी और जिनका नुकसान हुआ था, वही कंटेनर शाखा आज उनको मदद देते हुए खाना बांट रहा था। स्वयं एमएलए प्रताप सरनाइक आके अपने हाथों से उन पीड़ितों को खाना खिलाए हैं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदार और शकील शेख के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।